श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि SGPC चोणा हमेशा ही होंदिया ने अते साल बाद अहुदेदार चुने जाते हैं, पर लड़ाई अकाली दे नाल अकाली दी रही है। एक धड़ा एक पासे हो गया तो दूजा धड़ा दूजे पासे हो गया। इस तरह कभी नहीं सी होया कि सरकारां दी मदद जिहड़ी है वह ली जाए या फिर सरकार इन्हां मुद्दियां दे उत्ते घुसपैठ करे। उन्होंने यह भी कहा है कि SGPC के उत्ते कब्जा करन दी कोशिश विरोधी धिरां दे वल्लों इकट्ठिया होकर की जा रही है। धामी ने वड्डे इल्जाम लगाए ने कि सांसदां दे वल्लों मैंबरां नूं फोन किए जा रहे हैं, पैसों का भी लालच जिहड़ा SGPC के मैंबरां नूं दित्ता जा रहा, वोटां खरीदण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मैं मैंबरां की भी दात दिना है जिन्होंने कहा है कि लै जाओ अपने पैसे, साडे कोल 10 नूहां की किरत कमाई बहुत है। उन्होंने कहा है कि इन सारियां सरकारां नूं मैं पुछना चाहुंदा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दखल अंदाजी क्यों की जा रही है। उन्होंने विरोधियों ने यह भी कहा है कि अग दे विच हाथ ना पाओ, गुरुद्वारों का प्रबंध जिहड़ा है वह SGPC के कोल ही रहेगा। उन्होंने कहा कि मैनू विश्वास है कि खालसा पंथ कदे भी बाहरी ताकतों नूं अगे नहीं आउण देवेगा। तो धामी ने अगे भी आख दिता है कि पटना साहब का भी प्रबंध जिहड़ा SGPC के कोल हुंदा सी, हजूर साहब के विच भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 5 मैंबर रहे सन। उन्होंने कहा कि भाजपा के नाल सांझ पाउण वालियां दे मेरे कोल पुख्ता सबूत ने, पर वह धड़े का ना जिहड़ा वह लैणा नहीं चाहते। एडवोकेट धामी ने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल करदे आ, गल आखी है कि जो कोई सिख पंथ की गल आए तो यह अखां मीच लैंदे ने। इस दौरान उन्होंने 28 तरीक की होने वाली SGPC की चोण के उम्मीदवार ऐलाने जाने उत्ते अकाली दल की लीडरशिप का भी धन्यवाद किया है। किसी ना किसी तुहानू दस दिंदे आ कि SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के वलों एक बड़ा इल्जाम लगाया गया कि पंजाब दीआं ते केंद्र दीआं सरकारां जिहड़ियां ने वो मिलकर SGPC के उत्ते कब्जा करनियां चाहुंदियां ने, SGPC के मैंबर जिहड़े ने वो खरीदण की कोशिश जिहड़ी है की जा रही है।